انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون في صلاتهم خاشعون. यकीनन कामयाब हो गए मोमिन वही जो अपनी नमाज में इख्तियार करने वाले हैं इस दुनिया में इंसान तरह तरह के मसाइल में घिरा हुआ है जिनके बारे में वो दिन रात मुतफक् रहता है लेकिन हकीकत यह है कि उसका सबसे बड़ा मसला आखिरत में मौत के बाद कामयाबी है लिहाजा उसे सोचना चाहिए कि वो कामयाबी कैसे हासिल की जाए जिस तरह दुनिया की जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ शराय हैं कुछ असूल हैं इसी तरह आखरत में कामयाबी के लिए भी कुछ असूल हैं उनमें से कुछ का जिक्र सूरतमिन की इब्तदाई आयात में कर दिया गया है इन असूलों में सबसे पहला उसूल ईमान लाने के बाद नमाज में खुशबू पैदा करना है उन मोमिनों को कामयाबी की ज़मानत दी गई है जो अपनी नमाजों में खुशब पैदा करते हैं ईमान लाने के बाद पहला करने का काम नमाज को सही तरीके पर जाहिरन और उम्दगी के साथ अदा करना है तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू से पहले हम ईमान के बारे में बात करेंगे क्योंकि नमाज में खुशबू भी उसी वक्त फ़ायदा देगा जब ईमान दुरुस्त होगा तो सूरत अल्मिन की पहली और दूसरी आयत में फरमाया फरमायाद अफल हलमिनी सलाम खाशन यकीन कामयाब हो गए मोमिन वही मोमिन जो अपनी नमाज में खुशब अख्तियार करते हैं कामयाब हो गए यानि उन्होंने सदत और फलाह हासिल कर ली कामयाबी तक पहुँच गए यानि आखरत की जिंदगी में कामयाब हो गए सबसे पहले उनके अंदर ईमान है लुत में लफ् मोमिन उस शख़्स के लिए इसम फाइल है जो ईमान की सिफ़त के साथ मुतसप होता है लु़त में मोमिन तीन लगवी मानी की तरफ लौटता है नंबर एक अमन ये खौफ के मुकाबल नंबर दो तस्दीक जो तकदीब के मुकाबल और नंबर तीन अमानत जो ख़्यात के बरक्स तो जो शख्स मोमिन होता है उसके अंदर अमन होता है वो हक की तस्दीक करता है वो खयानत की बजाय अमानत का रास्ता इख्तियार करता है यानी अल्लाह की दी हुई ख़बर की ठोस तस्दीक करते हुए उसके अहकाम पर अमल दरामद करता है ईमान के छह अरकान होते हैं जिनके बग़ैर उसका वजूद साबित नहीं होता और वो छह अरकान क्या हैं आपने फरमाया ये कि तुम अल्लाह उसके फरिश्तों उसकी किताबों उसके रसूलों और आखिरी दिन यानि यौम क़्यामत पर ईमान रखो और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ तो क़द अफलामिन यकीन कामयाब हो गए मोमिन ये क़द जो है यह है अरबी में और ताकीद के लिए आया है कि तहकीकी बात है यकीनी बात है तहक़ीक से ये बात कही जा सकती है कि मोमिन ही कामयाब होने वाले हैं और यहाँ पर अफलाह का लफ्स इस्तेमाल हुआ है जो फलाह से है जिसका माना होता है चीरना काटना फ़लाह किसान को कहते हैं जो ज़मीन को चीर फाड़ कर उसमें बीज बोता है फलाह में तीन बातों का पाया जाना है यानी एक फाड़ना एक कामयाबी और एक बका फलाह का ताल्लुक दुनियावी मकासद से भी है और उखरवी मकासद से भी तो फलाह दरअसल कामयाब होने को कहते हैं और मकसद को पा लेने को तो शरीयत की नजर में कामयाब वो है जो दुनिया में रह कर अपने रब को राजी कर ले और उसके बदले में आखिरत में अल्लाह की रहमत और मफफरत का मुस्तक करार पाए उसके साथ दुनिया की सदत और कामरानी भी मयसर आ जाए तो बहुत खूब वरना असल कामयाबी तो आखिरत ही की कामयाबी है असल कामयाबी क्या है सूरत आल इमरान में अल्लाह तला फरमाते हैं फम अन जुह जहा वन्नता फ़कद फाज वमल हयात दुनिया अमाम तो जो शख्स आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो यक़ीन वो कामयाब हो गया और दुनिया की जिंदगी तो धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं यानी दुनिया में अगर इंसान बड़ी बड़ी कामयाबियां, को बेंच मार्क अचीव कर लेता है किसी मंजिल तक पहुँच जाता है तो वो कामयाबी कामयाबी नहीं वो तो एक जाहरी चमक दमक है जो चंद दिन के बाद बुझ जाएगी हकीकी और पायदार और असल और हमेशा की रहने वाली कामयाबी तो आखिरत ही की कामयाबी है और वो कामयाबी है कि इंसान जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए नबी सल्लाम ने फरमायाल्ला तबारक वाले जन्नत को पैदा किया जिसकी एक ईंट सोने की थी एक ईंट चांदी की थी और गारा कस्तूरी का था फिर अल्लाह तला ने उसे कहा कलाम कर उसने कहा कद المؤمنون, के अफला फलाह पा मोमिन फरिश्तों ने कहा अः जन्नत तेरे लिए खुशखबरी हो तू तो बादशाहों का ठिकाना है तो मोमिन ही अल्लाह की निगाह में बादशाह हैं तो हकीकत यह है कि उस बड़े दिन के अजाब से बचना कामयाबी है मैं युसरफ अनहू योम फ़कद राहाल जिस शख्स से उस दिन वो यानी अजाब हटा लिया जाएगा तो यकीन उसने उस पर रहम कर दिया और यही खुली कामयाबी है फिर इसी तरह गुनाहों की माफ़ी मिल जाना बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि हम में से कोई भी गुनाहों से बचा हुआ नहीं है सूरतफ में आता है लियुदिन जन्ना तिन जन्ना तिन तजरी मिन तहतिहार खालिदी नफीहा वन हम सै आतिहम पका नजाल का इंद लाही फौज अज़ीम ताकि वो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उन बाग़ों में दाखिल कर ले जिनके नीचे से नहरें चलती हैं हमेशा उनमें रहने वाले और उनसे उनकी बुराइयां दूर कर दे और ये हमेशा से अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी कामयाबी है एक और जगह पर आता है वन तक सयात योम फ़क़ राहम तल फौज़ल आज़ीम उस रोज़ जिसे तूने बुराइयों से बचा लिया गोया तोने उस पर रहम कर दिया तो यही बहुत बड़ी कामयाबी है फिर इसी तरह अल्लाह ताला की रहमत मिलना बड़ी कामयाबी है क़यामत के दिन नूर मिलना मिलना बहुत बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी कामयाबी है है से पानी का मिलना बहुत बड़ी है। इबन अब्बास कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लाम को फरमाते हुए सुना मैं तुम्हें पुष्ट से पकड़ कर खींच रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जहन्नम से बचो हदूद से बचो यानी दुनिया में सजा से जहन्नम से बचो हदूद से बचो जहन्नम से बचो हदूद से बचो तीन बार फरमा कर आपने कहा बस जब मैं फौत हो जाऊंगा और मैं तुमसे पहले जाकर हौस पर पानी का इंतजाम करने वाला हूँ तो जो उस पर पहुंच गया वो कामयाब हो गया फिर क्यामत के दिन पलड़ों का भारी होना कामयाबी है वलवज्न योम इजिन फ मनसक़ुलतमीन फ्लाफल उस दिन वज़न बरहक है फिर वो शख्स के उसके पलड़े भारी हो गए तो वही कामयाब होने वाले हैं फिर अल्ला सुबहान रजामंदी मिल जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी है वदल्लामिनमनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहार ख़ालदीनफीहा व मसा के नय्यब तनफ़ी जन्नात आदन वरिद्वान मिनल अकबर ज़ालिकहूल्फौज़ीम अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से ऐसे बागात का वादा कर रखा है जिनमें नहरें जारी हैं उनमें वो हमेशा रहेंगे नीज़ हमेशगी के बाग़ात में पाकिज़ा क्याम गाहों का भी वादा कर रखा है और अल्लाह की रज़ा तो इन सब नेमतों से बढ़कर होगी यही बहुत बड़ी कामयाबी है तो कामयाबी के हसूल के असबाब में सबसे पहला सबब जो इस आयत में हमें मिलता है वो ईमान लाना है क्योंकि ईमान वाले ही दरअसल उस दिन खौफ और गम से महफूज होंगे अला इन्ना अलिया अल्लाफन अलहिम वनून अल आमनु वक़ानु यदक़ून सुन लो बेशक अल्लाह के दोस्त उन पर ना कोई खौफ है और ना वो ग़मगीन होंगे वो जो ईमान लाए और वो तकवा करते थे लहुम्ब्र फिल दुनिया उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी खुशखबरी है वफ़िल आखिर और आख़रत में भी ला तब्दील कलिमात अल्लाह अल्लाह के कलमात बदल नहीं सकते अल्लाह की बातों के लिए कोई तब्दीली नहीं जाले का हुफ़ौज़लम यही बहुत बड़ी कामयाबी है फिर इसी तरह ईमान और अमल साले से कामयाबी हासिल होती है और अमल साले को साले इसी कहा जाता है कि वो इंसान की असलाह कर देते हैं यानी जैसे नमाज़ पढ़ना सद का ख़ैरा करना जिन चीज़ों को भी हम आमाल साल कहते हैं वो दरअसल इंसान को साल बना कर इंसान की असलाह करते हैं और जब दुनिया में इंसान की असलाह हो जाती है तो वो दुनिया की कामयाबी भी हासिल करता है और नतीजतन आख़रत की भी कामयाबी के लिए ला अ कहना सबसे पहले आता है नबी सल्ला वम हिजाज के बाजार में बुलंद आवाज़ से लोगों को पुकारा करते थे या तफ़ल हो ए लोगो ला कह दो तो फ़लाह पा जाओगे अल्लाह का तकवा अख्तियार करना फ़लाह की जमानत है वत ला तफ़ल हूँ और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ इ नम्तकी न मफाजा यक़ीन मत्तकी लोगों के लिए एक बड़ी कामयाबी है फिर अल्लाह और उसके रसूल की इतात करना ये कामयाबी की ज़मानत है अल्लाह बान तला की तरफ से नाजिल करदा नूर की पैरवी करना मजीद की पैरवी करना यह कामयाबी की अलामत है वत्तबा जो लोग और, उसे दी और उसकी मदद की यानी नबी वसल्लम की और उस नूर की पैरवी की जो उसके साथ उतारा गया वही लोग फलाह पाने वाले हैं फिर अल्लाह ताला की इबादत करना यादी वसजुदू वाह बदू रब तुफ्हून ए लोगो जो ईमान लाए हो रुकू करो सजदा करो अपने रब की इबादत करो और नेकी करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ फिर इसी तरह अपने सारे फ़राज पूरे करना एक आरबी बिखरे बालों वाला रसुल्ला वसम की खिदमत में हाजिर हुआ उसने पूछा या रसूल अल्लाह बताइए मुझ पर अल्लाह ने कितनी नमाजें फ़र्ज़ की हैं आपने फरमाया पांच नमाजें ये और बात है कि तुम अपनी तरफ से नफल पढ़ लो फिर उसने कहा बताइए अल्लाह ने मुझ पर रोजे कितने फर्ज किए आपने फरमाया के महीने केफली रोजे भी रख लो फिर बताइए जक़ात किस तरह मुझ पर अल्लाह ने फर्ज की है तो आप सल्म ने उसको तरीका बता दिया उस आरबी ने कहा उस जा कसम जिसने आपको इज्जत दी ना मैं इसमें से जो अल्लाह ने मुझ पर फर्ज किया है कुछ बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा इस पर रसूल सल्ला व्लम ने फरमाया अगर इसने सच कहा है तो ये फलाह पा गया अगर सच कहा है तो जन्नत में चला जाएगा तो इससे ही पता चलता है कि बुनियादी इस्लामी इबादत का अदा करना भी कामयाबी की अलामत है फिर इसी तरह नेक नेकमल करते रहना गुनाहों से बचते रहना शराब जुआ वगैरह से बचना ये भी कामयाबी की तरफ ले जाता है ए लोगों जो ईमान लाये हो बात यही है कि शराब और जुआ और शर्क के लिए नसब करदा चीजें और फाल के तीर सरासर गंदी चीजें हैं शैतान के काम में से हैं सो इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ कसरत से अल्लाह का जिक्र करना फस गुर ला तुफ्हून फिर सच्चाई इख्तियार करना अल्लाह की नेमतों का तज़क़िरा करना और उन पर शुक्र अदा करना फस गुरुआला तुफ्हून सो अल्लाह की नेमतें याद करो ताकि तुम फलाह पाओ फिर कनात इख्तियार करना नहीं जो अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी रहना तोबा करना सूरत नूर में आता है वतुब जमीन मोमिनून अलमोमिन तुफ्लि और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो मोमिनो ताकि तुम कामयाब हो जाओ फिर तज़किया नफ्स करना कद मन जक्काहा यकीनन कामयाब हो गया वो जिसने उसको पाक कर लिया अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करना या इलैहिल वसीला यादीना आमन वब तिल्वसी वजाह ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ कुर्ब तलाश करो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ फिर ये कि जान माल अल्लाह के रास्ते में लगाना अल्लीन आमनु वहा फी वजाह बेअम्मस आजम उकाफ़ाजून जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया अल्लाह के यहाँ दर्जे में ज्यादा बड़े हैं और वही लोग कामयाब हैं फिर बुखल से बचना व मैं कश नफसी व उला इकमलमफलिहुन और जो दिल की तंगी से बचा लिया गया तो वो दरअसल कामयाब हुआ फिर अमर बिलमूफ़ और नहीं अनिल मुनकर करना फिर मसायब और मुश्किल पर सब्र करना ये सब कामयाबी की तरफ ले जाते हैं फिर लोगों के हकूक़ अदा करना फरमाया फरमायाफ़ातिल क़ुरबा हक़ हु वलमस्किन वबन सबीली ज़ालिक खैर यूरीदून वजह व उलाकमफलहूँ बस करावत वाले को उसका हक़ दो और मिसकीन को और मुसाफिर को ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं और वही फलाह पाने वाले हैं इसी तरह कामयाबी के रास्ते में कुछ रुकावटें भी हैं जैसे कुफर करना शिरक करना आखरत पर ईमान न लाना आखरत के दिन से गाफिल हो जाना किनारे पे रह के अल्लाह की इबादत करना ममिन मैया अब अला हर फिन

यही तो सरी खसारा है फिर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करना इंसान को नुकसान की तरफ ले जाता है शैतान से दोस्ती करना फरमाया शैतान फ़क्त खसर खसरान मुबीना और जो कोई शैतान को अल्लाह के सिवा दोस्त बनाएगा तो यकीन उसने खसारा उठाया वाज खसारा फिर जुल्म करना कुरान मजीद में आता है इन ला उफ़ल िमून बेशक हकीकत यह है कि ालिम लोग फ़ला नहीं पाते कामयाब नहीं हो सकते तो कद अफलहलमिन फ़ी सलाम खाशूँ तो सूरत-المؤمنون में ममिन की फलाह की बात करते हुए उनकी सिफत बताएगी कि वो अपनी नमाजों में खुशु इख्तियार करते हैं खुशु करने वालों के लिए दरअसल कामयाबी है अबन कैम कहते हैं अल्लाह ने नमाजियों की फलाह को नमाज में खुशु इख्तियार करने के साथ मशरूत किया है तो यह इस बात पर दलालत करता है कि जो शख्स खुशु अख्तियार नहीं करता वो कामयाबी पाने वालों में से नहीं है और अगर उसके लिए उस नमाज का सवाब शुमार कर लिया जाता तो वो कामयाबी पाने वालों में से होता इमाम अबिनतमिया कहते हैं कि खुशु के वाजिब होने पर अल्लाह ताला का ये फ़रमान दलालत करता है तो खुश का, जो है ये से है। का माना होता है झुक जाना मुती हो जाना और सुकून अख्तियार करना अल्लाह तरह वसवाहमानी فلا تسمعوا अल्ला हमसा और सब आवाज़ें रहमान के लिए पस्त हो जाएंगी सो आप एक नहायत आहिस्ता आवाज के सिवा कुछ न सुनेंगे यानी खामोशी हो जाएगी सब खामोश हो जाएंगे तो खशात का मतलब यहाँ क्या है पस्ती झुक जाएंगी दब जाएंगी और इसलाह में खुशू कहते हैं कि दिल अपने रब के सामने फर्मा और जिल्लत के साथ झुक जाए यानी अल्लाह के सामने दिल झुक जाए जब अल्लाह के सामने खड़े हो नमाज की हालत में तो दिल आजजी के साथ जिल्लत के साथ झुक जाए इबन रजब हम्बली कहते हैं खुशु का असल माना है दिल का नरम पड़ना खुशु का माना क्या है दिल का नरम पड़ना और उसमें रिक्क़त पैदा हो जाना उसमें सुकून आ जाना उसका फर्मा बरदार हो जाना आजिज़ हो जाना और उसका तड़पना तो नमाज की हालत में दिल का ये हाल होना चाहिए कि दिल नरम पड़ जाए झुक जाए उसमें रिक्क़त हो जाए वो ठहर जाए अल्लाह की फर्मा बरदारी की बात सोचे और आजज़ इख्तियार करे और अल्लाह के लिए तड़पे तो जब दिल खुशबू इख्तियार करता तो सारे भी उसके ताबे हो जाते हैं और वो भी आजिज़ हो जाते हैं तो नमाज और नमाज के अलावा बाहर भी हमें खुशबू मतलूब है लेकिन नमाज में खुशबू इख्तियार करना नमाज से बाहर खुशबू अख्तियार करने से ज़्यादा अहम है क्योंकि नमाज की हालत में इंसान अल्लाह के सामने कड़ा होता है याद रखिए खुशबू दिल की इबादत है जिसके असरात इंसान के जाहरी पर जाहर होते हैं। तो नमाज के दौरान नमाज को उसकी शराय उसके, उसके, उसके मुस्तम करने की ख्वाहिश रखता, रखता है कि उसका दिल और जहन अपने रब की तरफ मुतवजे हो और जो कुछ वो पढ़ रहा है या सुन रहा है उसको खूब याद रखने वाला हो इस तरह वो नमाज के बाद भी नमाज से फ़ायदा हासिल करने वाला बन जाएगा फिर नमाज में खुशबू यह है कि बंदे का दिल अल्लाह ताला को करीब समझते हुए उसके हुजूर हाजिर हो यानी उसकी सारी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हो जाए इससे दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है उसकी तमाम हरक़ साकिन और गैर अल्लाह की तरफ उसका रुझान कम हो जाता है वो अपने रब के सामने नहाय अदब के साथ खड़ा होता है वो अपनी नमाज के अंदर अव्वल से लेकर आखिर तक जो कुछ करता है और जो कुछ कहता है पूरी तवज्जो के साथ कहता है तो इसमें आप देखिए हरक़ भी साकिन हो गई तवज्जो भी हो गई अदब भी हो गया और अल्लाह का कुर्ब भी महसूस होता है दिलों को इतमान भी नसीब होता है इसी तरह उसके सारे वसवसे और गलत सोचें भी दूर होती हैं और नमाज की रूह यही है यानि यही वो मकसद है जो बंदे के लिए, लिए लिख दिया गया है इबिन उमर इस आयत के बारे में कहते हैं कि अल्लाह ताला का फ़रमान है अल्लाजी उम फी सलात खाशुन के जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो वो अपनी नमाज की तरफ मुतवज़ होते थे और अपनी निगाहों को सजदे की जगह की तरफ़ झुका देते यानी इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखते थे बल्कि सर झुका कर नीचे जहाँ सजदा करना होता था वहाँ पर अपनी निगाहें रखते और उनको यकीन होता था कि अल्लाह उनकी तरफ मुतव है तो वो दाएँ बाएं नहीं देखते थे जिसको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला उसकी तरह मुतवज्जे है तो फिर वह अल्लाह को छोड़कर इधर उधर नहीं हो सकता लेकिन शैतान यही बात तो भुलवा देता है क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह की तरह मुतवज्जे होता है अल्लाह ताला भी बंदे की तरह मुतवज्जे होता है और जब बंदा फिर जाता है तो फिर अल्लाह ताली भी उससे मुँह मोड़ लेते हैं इसी तरह ये बात याद रहे कि खुशबू से मुराद रोना नहीं है यानी बाज लोग समझते हैं कि नमाज़ में खुशबू से मुराद रोना धोना है ठीक है अल्लाह के डर से रोना आ जाए तो कोई हर्ज नहीं खुशु में दिल मुतवजह होता है आजाब सुकून होते हैं ये नहीं कि हिल जुल कभी पावड़ की एड़ियाँ उठा रहे हैं कभी जिसम में कभी खराश कर रहे हैं कभी दुपट्टा ठीक कर रहे हैं कभी आगे पीछे हो रहे हैं बाज लोग हिल हिल के नमाज पढ़ रहे होते हैं तिलावत भी कर रहे होते हैं और साथ हिल रहे होते हैं आगे पीछे को हिल रहे होते हैं तो ये जायज़ नहीं है नमाज में अगर आप किरात करें आप हाफिज हैं या नहीं भी तो जितनी भी करात करे सुकून के साथ करे यानी असल खुशब क्या है सुकून और फिर दिल का अल्लाह की तरफ मतवज हो जाना और इस बात का जहन में यकीन रखना कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं अपने रब से सरगोशियाँ कर रहे हैं नमाज खुशू के बगैर ऐसी है जैसे रूह के बग़ैर जिस्म हो तो खुशबू दिल में भी होता है और अज़ा में भी होता है यानी दिल भी अल्लाह की तरफ हाजिर हो और आज़ा भी अपनी जगह पर साकित हो और अपनी हरकत और सकन में अपने रुकू और सजूद में अपने क़्याम और कवूद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की इतबा की जाए और शदीद हिर सो इस बात की कि बिला ज़रूरत हरकत न की जाए बिला ज़रूरत हरकत ना की जाए ये बहुत अहम है तो जब यह बात आ जाती है कि सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही उठना बैठना हो तो फिर इससे ये पता चलता है कि खुशबू में सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना भी आ जाता है उमर रजी अलाह जब किसी आदमी को देखते कि वो नमाज में अपनी गर्दन नीचे झुका रहा है तो आप उसकी गर्दन पर कोड़ा मारते और उसे कहते अफसोस तुझ पर खुशू तो दिल में होता है यानी बहुत ज़्यादा सर झुका के खड़े हो जाना यानी एक तो ना निगाहों का झुका होना गर्दन सीधी है लेकिन निगाहें झुकी हुई हैं और एक ये है कि सर झुका लेना खड़े होकर तो वो कहते कि खुशू दिल में है और सईद बिन मुसैब ने एक आदमी को देखा वो अपनी नमाज में अपनी दाढ़ी से खेल रहा था बालों को खारिश वारिश करा तो उन्होंने कहा अगर इसके दिल में खुश होता तो इसके अज़ा में भी होता फिर इसके हाथ भी एक जगह साकेत होते खुशु की हमारे दीन में बहुत अहमियत है कुराने मजीद में ख़ुवाइन की तारीफ की गई है सूरत सूरतिया में अंबिया की सिफत बताई गई वा रान लना खाशीन और वो हमें रगबत और खौफ़ से पुकारते थे यानी पैगम्बर हालाँकि वह अल्लाह के चुने हुए नेक बंदे थे मासूम बंदे लेकिन फिर भी उनके अंदर डर था अल्लाह का और वो हमारे ही लिए आजजी करने वाले थे सूरत बनी इसराइल में आता है व यख़रून अलखानी यबकुना व यजीद हम खुशुआ आठ ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं रोते हैं और वो क़ुरान उन्हें आजजी में ज़्यादा कर देता है खुशबू करने वालों पर नमाज भारी नहीं होती क्योंकि उनका दिल नमाज में लगा हुआ होता है वस्तयी बसलात वहाबीरत और सबर और नमाज के साथ मदद तलब करो और बिला शुबा वो यकीनन बहुत बड़ी है बहुत भारी है मगर खुशु करने वालों पर नहीं खुशु ईमान लाने की अलामत हैनु अनतख शाह व नामक क्या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए और उस हक के लिए झुक जाए नाजिल हुआ फिर यह कि खुशु करने वाले से अल्लाह का वादा भी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने पांच नमाजें फ़र्ज की हैं जो इनके लिए अच्छी तरह वजू करेगा और उन्हें इनके वक्त पर अदा करेगा और उनके रुकू पूरी तरह अदा करे और उनमें खुशब का ख्याल रखे तो उसके लिए अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उसकी मफफरत फरमाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा उसके लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है अगर चाहे तो उसे बख्श दे और चाहे तो अजाब दे अल्लाह ताला हमें बख्श दे फिर नमाज के हुसन और ख़ूबसूरती के लिहाज से उसका अजर होता है यानी खुशबू नमाज को ख़ूबसूरत बनाता है लिहाजा जैसा खुशू होगा वैसा ही अजर होगा अम्मा बिन यासर कहते हैं मैंने रसूल अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदमी नमाज पढ़कर इस हाल में लौटता है कि कभी उसके लिए उस नमाज का दसवां हिस्सा नवाँ हिस्सा आठवां हिस्सा सातवां हिस्सा छठा हिस्सा पांचवां हिस्सा चौथा हिस्सा तिहाई हिस्सा या आधा हिस्सा अजर लिख लिया जाता है यानी किसी को बहुत थोड़ा मिलता है और किसी को ज़्यादा हजूर है से पढ़ी गई नमाज का बदला जन्नत है आपने फरमाया जो शख्स अच्छी तरह वजू करे फिर दो रकत अदा करे जिसमें अपने दिल और अपने चेहरे को पूरी तरह मुतव्ज रखे तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी ख़बरदार किया कि सबसे पहले खुशबू ही उठेगा उम्मत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली चीज़ जो उम्मत से उठाई जाएगी वो खुशू है वो ज़माना भी आएगा कि तुम्हें उनमें एक भी खुशबू करने वाला आदमी नजर ना आएगा यानी आप राइट लेफ्ट देखें नमाजियों को किसी के अंदर खुशबू नहीं होगा अल्लाह हमें इससे महरूम ना करे शैतान दरअसल नमाज में हायल होकर खुशू खत्म कर देता है उस्मान बिन अबुल आस से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया अल्लाह के रसूल बेशक शैतान मेरे और मेरी नमाज और मेरी किरात के दरमियान हायल होता है और उसे मुझ पर ख़लत मलत कर देता है तो आपने फरमाया ये वो शैतान है जिसे खिनजब कहा जाता है जब तुम ऐसी बात महसूस करो तो अल्लाह की पनाह ले लिया करो और अपने बाएं जानब तीन मरतबा थूक दिया करो यानी थुतकार दिया करो कहते हैं बस मैंने ऐसे ही किया तो अल्लाह तआला ने मुझसे ये तकलीफ़ दूर कर दी शैतान दरअसल वसवसों और ख्यालात में उलझाकर दुनिया की बातें परेशानियां याद दिलाकर नमाज़ को ख़राब करता है क्यूम कहते हैं कि बग़ैर खुश और के नमाज ऐसे जिसम की मानंद है जो मुर्दा हो और उसमें रूह ना हो क्या बंदे को इस बात से हया नहीं आती कि वो अपने जैसी मखलूक को मुर्दा गुलाम या मुर्दा लॉन्डी का तोहफ़ा दे तो उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है जो किसी बादशाह या किसी अमीर वगैरह को ऐसा तोहफा देने का इरादा करे तो वो नमाज जो खुशबू और तोज्जो से खाली होती है वो इसी के बराबर है मुर्दा के बराबर है और अल्लाह के हजूर हम एक मुर्दा भेज रहे होते हैं फिर इसी तरह यह है कि जितना जितना दिल समझ कर अदा करता है नमाज को उतना ही सवाब मिलता है बाज़ लोग कहते हैं कि दो आदमी नमाज में होते हैं और दोनों में ऐसे फर्क होता है जैसे ज़मीन और आसमान का एक खुशबू से पढ़ रहा होता है वही नमाज उसी इमाम के पीछे और दूसरा बिल्कुल बेतवजो ही से इबन कैम कहते हैं कि नमाज में लोगों के दर्जात होते हैं एक, नमाज के अरकान और वाजुबात में कोताही करने वाला यानी वो चीज़ें जिसके बगैर नमाज होती नहीं लेकिन वो उसकी वो बुरी नहीं ऐसा शख्स जो अपनी जान पर जुल्म कर रहा होता है नमाज में कोताही करने वाला है और ये वो शख्स जो वज़ू में और नमाज के औक़ात और उसकी हदूद और अरकान में कमी करता है ढंग से वजू नहीं करता कुछ हिस्सा खुश रह जाता है या परवाह नहीं करता कि वज़ू है या नहीं नंबर दो नमाज के ज़ाहरी अरकान की हिफाज़त करने वाला दूसरा वो शख्स है जो नमाज के औकात की और उसकी हदूद की और उसके ज़ाहरी अरकान की और वज़ू की हिफाजत करता है लेकिन वो अपने नफ़्स में आने वाले वसूसों के साथ जिहाद करने को ज़ाया कर देता है यानी अपने नफ़्स के साथ जो है वह नहीं पूरी तरह काबू पा सकता तो वह सोचों और वसूसों में खो जाता है यानी बाज़ लोग परफेक्ट करेंगे उनके सारे जो हैं नमाज के वो पूरे पूरे अदा करेंगे लेकिन दिल उनका उलझा हुआ होगा इधर उधर दुनिया की बातों में नंबर नमाज के अरकान की हिफाजत के साथ नफ्स के साथ जिहाद करने वाला तीसरा शख्स जो अपनी नमाज की हदूद और उसके अरकान की हिफाजत करता है और वसवसों और सोचों को दूर करने में अपने नफ्स के साथ जिहाद करता है तो वो अपने दुश्मन के साथ जिहाद करने में मशगूल होता है ताकि उसका दुश्मन उसकी नमाज को चोरी ना कर ले तो वो नमाज भी अदा कर रहा है और जिहाद भी कर रहा है नंबर चार नमाज में इंतहाई मुस्तरक होना डूबा हुआ होना नमाज में ये ऐसा शख्स होता है जो नमाज के हकूक़ और उसके अरकान और उसकी हदूद को मुकम्मल करता है उसका दिल नमाज की हदूद की हिफाजत करने में गर्क होता है ताकि वो नमाज से किसी चीज़ को ज़ाया ना कर दे यानी उसके अरकान भी पूरे होते हैं और दिल की हिफाजत भी कर रहा होता है बल्कि उसका पूरा इरादा यह होता है कि वो नमाज को इसी तरह कायम करे जैसे कि उसको कायम करनी चाहिए और उसकी तकमील करे तो उसका दिल नमाज को कायम करने में और रब तबारक वाली की अबूदियत में मसरूफ़ और मशगूल होता है पांचवा शख्स और ये अला दर्जा का है दिल से देखते हुए अल्लाह को नमाज पढ़ना का अन्ना का तरा हो ये वो शख्स है कि जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो उस चौथे शख्स की तरह ही खड़ा होता है लेकिन इसके साथ साथ वो अपने दिल को पकड़कर अपने रब अज़ा वजल्ला के सामने रख देता है और वो अपने दिल से अपने रब को देख रहा होता है उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत और अजमत से भर जाता है गोया कि वह अल्लाह को देख रहा हो और उसका मुशाह कर रहा हो और उससे वसवसे और ख़यालत बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इन ख़्याल और वसूसों के पर्दे उसके और उसके रब के दरमियान से उठ जाते हैं बस ये आदमी नमाज के लिहाज से दीगर लोगों से इतना अफसर और अजीम है जैसा कि आसमान और ज़मीन में फ़र्क है ये इस वजह से है कि ये शख्स नमाज में अपने रब अजा वजला के साथ मसरूफ़ होता है अब वो इनका अंजाम भी बताते हैं पहली किस्म के लोगों को ऐसी नमाज पढ़ने के बावजूद भी सजा दी जाएगी जिन्होंने अपने वज़ू वग़ैरह और शराइ का लिहाज ना रखा दूसरी किस्म के लोगों का मुहासबा किया जाएगा तीसरी किस्म के लोगों के लिए उनकी नमाज उनके गुनाहों का कफारा बन जाएगी चौथी किस्म के लोगों को सवाब दिया जाएगा और पांचवी किस्म के लोग अपने रब के मुकर्रबीन में शामिल होंगे यानी रब के करीब तरीन होंगे क्योंकि ये लोगों के उस ग्रोह में से हैं जिनके लिए नमाज उनकी आंखों की ठंडक है जिनकी आंखें दुनिया में नमाज से ठंडी होंगी उनकी आंखें आखरत में अपने रब अजा वजल्ला के कुर्ब से ठंडी होगी और दुनिया में भी उसकी आँखें अल्लाह के साथ ही ठंडी होंगी और जिसकी आँखें अल्लाह की हस्ती के साथ ठंडी हो तो हर आँख उससे ठंडी होती है बहुत गहरी बात की इन्होंने कि जिसका अपने रब से ताल्लुक़ बेहतरीन हो उसे देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं उनके दिलों में भी एक सुकून आता है यानी जो अपने रब के साथ पुरसकून होता है फिर लोगों के लिए भी सुकून का बायस है और जिसकी आंखें अल्लाह की ज़ात के साथ ठंडी ना हो तो उसका नफ्स दुनिया के गमों में टुकड़े टुकड़े हो जाता है अब है खुशु के कुछ फ़ायदे नमाज में खुशू फलाह की तरफ रहनुमाई करता है खुशू अल्लाह अजबल्ला के डर और खौफ का वारिस बना देता है यह ईमान और हसन इस्लाम के मज़ाहिर में से एक है यह इंसान की असलाह और उसकी इस्तिकत की दलील है यह अल्लाह की अबूदियत का एलान है और अल्लाह के सिवा को छोड़ देना है खुशु नजरों की हिफाजत और पहलू झुकाने और लोगों को इंतसारी की तरफ ले जाता है उसके गुनाह कम हो जाते हैं अजर बढ़ जाता है अजाब और बुरे अंजाम से निजात मिल जाती है जन्नत के साथ कामयाबी की बशारत मिलती है खुशु वालों के क्यामत के दिन बुलंद दर्जात होंगे खुशु दिल से सख्ती को दूर कर देता है जिसके दिल ने खुश इख्तियार किया शैतान उसके करीब नहीं आता अब है कैसे खुशबू पैदा करें खुश पैदा करने के इसबा क्या हैं नंबर एक ज़ाहरी इसबाब जगह की सफाई जैसे कि इब्राहीम साम को अल्लाह ताला ने फरमाया था वाहिर बीताइफी वल का आयमीन रुक का इस मेरे घर को साफ रखो तवाफ़ करने वालों के लिए क़्याम करने वालों के लिए रुकू सजदा करने वालों के लिए मसाजिद को साफ रखा जाए ताकि नमाजी जब नमाज़ पढ़ने के लिए आएं तो उनका खुशु मुतासर ना हो लिबास में सादगी हो ऐसा लिबास जो अनकंफर्टेबल हो यानी अगर आपने टाइट पैंट पहनी हुई हो तो आपकी कमर पूरी तरह झुकती ही नहीं रुकू के अंदर टेढ़ी रहती है और फिर जब रुकू में नहीं झुकती तो फिर सजदा भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता और अगर ऊपर कुछ ना पहना हुआ हो तो वैसे ही सतर को नहीं ढाँकती यानी ऐसे तंग लिबास जो हैं उनमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जिस जगह नमाज घर में पढ़ी जा रही है वहां कोई नमाज से मशगूल करने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए नमाज़ी पे लाजिम है कि अपनी नमाज में खुशबू अख्तियार करे और हर उस चीज़ से बचे जो उसे गाफिल कर सकती है जैसे मस्जिद में बहुत ज़्यादा जेब वीनत और नक्शो नगार वगैरह किया जाता है ऐसे ही बाज़ लोग घरों के अंदर भी बहुत नक्शो नगार और हर दीवार पे पेंटिंग्स और ऐसी ऐसी चीज़ें लगा के रखते हैं कि जो इंसान की तवज्जो नमाज से हटा देती है माहौल से तस्वीरों वाली चीज़ों को दूर करना अनस रजी अल्लाह से रिवायत है कि हज़रत आयशा के पास एक पर्दा था जिसे उन्होंने घर के एक तरफ लटका रखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया हमारे सामने से ये पर्दा हटा दो क्योंकि इसकी तस्वीरें मुसलसल मेरी नमाज में सामने आती रही हैं ऐसे नक्शो नगार ऐसी चीजें जो आपकी नमाज में आपको डिस्ट्रैक्ट करें उनको वहां से हटा देना चाहिए इसी तरह बे बेमकसद चीज़ें भी नमाज की जगहों से दूर हटा देनी चाहिए एक और मौके पर आपने फरमाया जब मैं बैतुल्ला में दाखिल हुआ था तो मैंने मैंढे के दो सींग वहां देखे थे मैं तुम्हें यह कहना भूल गया था कि इन्हें ढांप दो लिहाजा अब जाकर उन्हें ढांप देना क्योंकि बैतुल्ला में किसी ऐसी चीज़ का होना मुनासिब नहीं जो नमाजी को मशगूल कर दे सफियान ने कहा कि वो दोनों सींग बैतुल्ला ही में रहे जब बैतुल्ला को आग लगी तो वो भी जल गए फिर नमाज़ में सतरे का अहतमाम करना इससे भी खुशबू पे फर्क पड़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने फरमाया नमाज़ में सतरा रखा करो अगरचि वो तीरी क्यों ना हो फिर गुफ्तु करने वाले और सोने वाले के पीछे नमाज ना पढ़ना यानी बिल्कुल कोई आपके साथ या सामने सो रहा है तो फिर वो रिलैक्सिंग मूड में है तो आप भी उसे देख कर रिलैक्स होते रहेंगे और अगर कोई बातें कर रहा है तो आपकी सारी तोज्जो बातों की तरफ चली जाएगी तो मकसद फौत हो जाएगा खाने और कजाए हाजत की मौजूदगी में नमाज ना पढ़ना खानों की खुशबूएं आ रही हों या इंसान को टॉयलेट में जाने की ज़रूरत हो तो उस वक्त इंसान नमाज ना शुरू कर दे फिर नींद के गलबे में नमाज़ ना पढ़ी जाए नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज़ पढ़ते वक्त तुम में से किसी को ऊँग आ जाए तो उसे सो जाना चाहिए यहाँ तक कि उससे नींद का असर ख़त्म हो जाए इसलिए कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ता है और वह ऊँग रहा होता है तो वो नहीं जानता कि वो मकफरत तलब कर रहा है या अपने आप कोई बद दे रहा है फिर इसी तरह अगर कोई और ज़रूरी हाजत हो कोई बच्चा रो रहा हो कोई दरवाज़े पर खड़ा हो तो बेहतर यह है कि पहले वो काम कर लिए जाए फिर नमाज शुरू की जाए फिर कुछ बातनी इसबाब भी हैं खुशबू पैदा करने के याद रखिए कि नमाज नफ्स के साथ एक मार्का है गोया आप एक कुश्ती लड़ रहे हैं किसी से अपने आप को शूर दिलाना चाहिए कि यह लम्हा सब कीमती लमहत हैं हमारी ज़िंदगी में बेहतरीन इबादत है हदीस में आता है तुम्हारा नफ्स कहता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो लेकिन हमें उसकी नहीं माननी चाहिए फिर इसी तरह नमाज की कदर पहचाननी चाहिए उससे पर नमाज का हक अदा करने को दिल चाहेगा जब मुसलमान अपने रब की कदर और उसके चेहरे के जलाल और उसकी सल्तनत की अज़मत की तज़ीम करता है तो उसे नमाज की अजीम क़दर हासिल हो जाती है यानी जब इंसान अपने रब की कदर करता है अपने रब की अज़मत को पहचानता है तो फिर जब उसके सामने इस एहसास के साथ झुकता है तो वाकई नमाज में रूह आ जाती है फिर यह कि नमाज के लिए तैयारी करनी चाहिए जब आज़ान हो जाए तो उसके बाद नमाज ही के कामों के लिए मशगूल हो वजू करे जगह बनाए और अल्लाह की तरफ मुतवज़ हो जाए क्योंकि अगर आप हंसी मजाक करते हुए नमाज की तरफ आएंगे तो आप सही तौर पर फिर खुशबू का हक अदा नहीं कर सकते फिर नमाज़ की हिकमतों को समझा जाए नमाज़ का तर्जुमा आना चाहिए फिर एक एक स्टेप पर उसकी हिकमत पर गौर करें मस तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाह अकबर कि आप अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं वसे कुर्सी उस्सम आवात उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन को समाये हुए हैं आप बहुत बड़े रब के आगे झुके हैं फिर दुआ इस्तीफ़ा उसमें भी अल्लाह ताली की तारीफ़ करते हैं आप फिर रुकू पुश्त और चेहरे को अल्लाह के लिए झुकाने के साथ साथ आजजी का इजहार भी होता है फिर सजदा करना और सजदे में तस्बीहात के अलावा चूंकि दुआएं कबूल होती हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांग लेना फिर अपने नफ्स को बार बार अश्दगी की तरफ़ लाना तेज़ नमाज ना पढ़ना फिर है अपने नफ्स को याद दिलाना कि वह अपने रब के सामने खड़ा है फिर यह कि अल्लाह से मुलाकात का एहसास अपने अंदर ज़िंदा करना फिर यह कि अल्लाह की कुदरत को सोचना फिर इसी तरह अल्लाह की अजमत के बारे में सोचना दिल को दुनिया के ख्याल से खाली कर देना दुनिया के हकीरपन के बारे में सोचना अपनी मौत को याद रखना फिर रब की मारफ़त हासिल करना क्योंकि नमाज रब के साथ मुनाजात है नमाजी अपने रब से सरगोशियाँ करता है उसके लिए उमदगी से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है फिर कुरानी आयात और दुआओं को तदब्बर से पढ़ना हर आयत पर रुकना क़ुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना और आवाज़ को खूबसूरत बनाना ये सारी चीज़ें खुशब पैदा करने के लिए कुरानी आयात के मुताबिक उनका जवाब भी देना फिर इतमान और सुकून से हर रुकन अदा करना निगाहें सजदे की जगह पर रखना नमाज में इधर उधर देखने से बचना आंखें बंद करके नमाज न पढ़ना कुछ लोगों का तरीका ही होता है कि नमाज पे खड़े होते हैं तो साथ ही आंखें बंद कर लेते हैं और जब नमाज में आंखें बंद करते हैं तो फिर क्या होता है नींद ही आती या सुस्ती आ जाती फिर दौरान नमाज सजदे की जगह से चीज़ों को हटाना नहीं हाथ मार के या कपड़ा ठीक नहीं करना हो जा नमाज का अपना दुपट्टा बार बार ठीक नहीं करना फिर खुशु के लिए दुआएं मांगना दुआएँ माँगना अल्लाहजबिका मिन कल बिल्लाकश व नफ़सा तशबाऊ विलमिल्लाफ़ाऊ वदाविल्ला उसजाबल्हा अल्लाह बेशक मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ ऐसे दिल से जो खुशू करने वाला ना हो ऐसे नफ़ से जो सैर होने वाला ना हो और ऐसे इल्म से जो नफ़ा देने वाला ना हो और ऐसी दुआ से जो कबूल होने वाली ना हो फिर अल्लाह से डरने की दुआ करें कि याला मेरे दिल में अपना खौफ भी पैदा कर दे और करने के कामों में बहुत सी चीज़ें बता दी गई हैं लेकिन रहा के लिए नमाज को उसके मतयन वक्त में अदा करें अरकान वाजबात और शराइ का ख्याल रखें कामयाब मोमिन बनने के लिए जन्नत में जाने के लिए नमाज़ों में खुशबू पैदा करें खुश के लिए घर के किसी पुरसकून एरिया का इंतब करें और हमेशा याद रखें कि ये तरीका है कामयाब होने का अगर हम चाहते हैं कि आखरत में जहन्नम से बच जाएं और जन्नत में चले जाएं तो लाजिम है कि फिर खुशबू अख्तियार करें क्योंकि कद अफलमिन फ़ी सलाम ख़ाशन